press the bell icon on the YouTube app and never miss a dictator hota hai na, to jo log hote hain jo invest karte hain market mein, unko ek surety hoti hai ki kal koi hadtal nahi hogi, kal koi opposition wala khada hoke bakwas nahi karega, yani mera paisa safe hai. Ek market sentiment jo hai wo Pakistan mein stable ho jata hai. Market sentiment वो ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नहीं, एक स्टेबल हो जाता है. तो उसमें जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, कम से कम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो तो कभी पाकिस्तान में हुई नहीं. वो डॉलर आए जिहाद के लिए वो अलग चीज है, लेकिन जो फॉरेन मैसिव फॉरेन फंड्स हैं, एफडीआई है, वो चाइना से ही आई है. पिछले 20-30 साल का आप डेटा ले लें, वो ज्यादातर वहां से आई. छोट मोट आई, कुछ फ्यू हंड्रेड मिलियन डॉलर यूरोप से आ गए, कुछ आ गए, लेकिन मोटा पैसा हर समय चाइना से आया. मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ अर्जुन जी, मैं और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रांट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट टू इन इंफ्रास्ट्रक्चर. वो ज्यादातर जो आया वो चीन से आया है पाकिस्तान में. तो क्या होता है कि जब डिक्टेटर होता है, यही मैं आपको बता रहा हूं, जो आज सीपैक रुक गया है आपके यहाँ, ठीक है, कल अगर बाजवा साहब आ जाए एज प्रेसिडेंट और बोले कि 10 साल का मार्शल लॉ है, जो आपका सीपैक है ना, घोड़े की तरह दौड़ेगा ये. सही बात है, क्योंकि बाजवा साहब ने क्या करना है, बाजवा साहब ने सिंपल सी बात बोलने, मैंने आईएसआई को लगा दिया, जिसने पैसा खाया मैं उसको उल्टा टांग दूंगा गली से, ठीक है, मुझे ये चाहिए. कोई मीटिंग्स नहीं होंगी ऐसी कि सर मैं ये सोचता हूं. सोचना क्या है, एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हुक्म दे दिया, कहानी खत्म हो गई. फौज में तो ऐसे ही चलता है, फौज में हुक्म के बारे में एनालिसिस थोड़ा ना होता है कोई. वंस एन ऑर्डर इज पास्ड, एन ऑर्डर इज पास्ड, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो वही फॉर्मेट अगर आप सिविल स्ट्रीट में लाएंगे तो कुछ लिमिटेड समय तक आपको अच्छा दिखेगा, कुछ लिमिटेड समय तक आपको फैंटास्टिक प्रोग्रेस दिखेगी. आप बोलेंगे यार ये तो जन्नत हो गई यार, फौजियों को आना चाहिए, फौजी तो ऐसे करते हैं काम हो जाता है, यूं करते हैं तो ट्रेन समय पे चल जाती है, यूं करते हैं तो प्राइसेस रुक जाते हैं एक जगह, गरीब को रिलीफ. ये सब स्टेरॉइड्स की, जैसे चीनी होती है ना, चीनी, आरजू जी आप चीनी खाइए अचानक आपको एनर्जी. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर. तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा. तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं. जय हिंद, जय भारत. मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है. आप शुगर खाएंगे अचानक आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है. ये फौज वैसी होती है, इट इज लाइक शुगर. सेहत के लिए खराब है, लेकिन इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, उसी में यूफोरिया हो जाता है कि साहब बड़ा तीर मार दिया फौजी ने. ऐसा नहीं है कुछ. लेकिन भारत में किस तरह से रोका गया है कि कभी भी फौज जो है उसको हमने नहीं देखा कि वो आई हो और कब्जा किया हो उसने हुकूमत पे. शायद कभी एक दफा शायद हुआ हो पहले, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता जहां तक मेरी मेमोरी है. तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे रोका गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी फौज का दिल ना चाहता हो कि जी हम भी जो है हुकूमत करें या हम कुछ ऐसा करें. अर्जुन जी कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारतीय सेना ने बोला कि हम चढ़ दौड़ेंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, राष्ट्रपति भवन, ऐवान सदर पे हम भी चढ़ दौड़ेंगे. ऐसा आज तक नहीं हुआ 75 साल में. उसके 2-3 वजूहत हैं. एक तो फौज चाहती भी नहीं थी डे वन से. उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वील टेक ओवर एंड वील डू दिस एंड वील डू दिस. प्रोफेशनल आर्मी है. प्रोफेशनल आर्मी का सिर्फ ये मतलब, अगर प्रोफेशनल आर्मी का ये मतलब है कि लड़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी भी प्रोफेशनल है. मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी आर्मी को देखा है. मेरे सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट थी. जूनियर लीडरशिप पाकिस्तानी आर्मी की काफी अच्छी है. आपके लेफ्टिनेंट्स, आपके कैप्टन्स, आपके मेजर्स, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल तक. वो ब्रिगेडियर होने के बाद कुछ इनमें पता नहीं क्या अजीब सी जिसमें एक हरारत सी आ जाती है ब्रिगेडियर बनने के बाद ना, कुछ हो जाता है इनको. लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ठीक रहते हैं. जब ना प्रोफेशनल सोल्जरिंग होती है पाकिस्तानी फौज में, आगे चल के कुछ फीवर वीवर चढ़ जाता है ब्रिगेडियर कर्नल बनने के बाद. खैर मैं आपको बताता हूं अर्जुन जी कि ऐसा है इंडिया में. इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी. कैसी भी थी, जैसी भी थी, बट देवर आइडियोलॉजिकल पीपल, देवर वेरी वेरी स्ट्रांग पीपल. नेहरू जी थे उस समय, गांधी जी भी जिंदा थे, राइट. फिर गांधी जी का निधन हो गया कुछ समय के बाद, इंतकाल हो गया उनका. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ, यू नो, वन ऑफ द जायंट्स. एंड देयर आर सो मेनी, मतलब मैं आपको नाम लूंगा तो बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा नाम लेने में, इतने नाम है. तो हमारी डेप्थ बहुत थी. जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रिकेट की टीम होती है जिसमें कहते हैं बैटिंग लाइनअप की डेप्थ होती है. नंबर सेवन नंबर एट बैटिंग करता है जिसको कहते हैं ना, तो उसको स्कोर की. तो इंडिया में हर समय पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी हुई है, नंबर सेवन नंबर एट तक बैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जो भी 20-30 रन बना लेते हैं, इस टाइप का इंडिया में. एक तो वो, दूसरी चीज फौज ने, मैं फौज के अंदर रहा, मैंने कभी नहीं सुना किसी से
कभी नहीं सुना फौज में एक बार भी, और अभी भी मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं 5 साढ़े 5 साल फौज में रहा फिर मैं छोड़ के चला गया, अभी भी मैं हर 10-15 दिन किसी ना किसी फौज के एरिया में रहता हूँ शूटिंग के लिए या मिलने जुलने के लिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोस्टमेट्स हैं, मैंने आज तक एक इनफॉर्मल बात भी नहीं सुनी कभी ऐसी। हाँ उनकी शिकायतें होंगी, वो फौजी हम लोग क्रिप करते करते हैं, उसमें वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और बट द इंडियन आर्मी, मतलब ऑन द लाइटर साइड, बट ऑन द इंडियन आर्मी ओवरऑल इज एन हाईली प्रोफेशनल यूनिट, और मैंने तो आज तक बात भी नहीं सुनी, मैंने अफवाह भी नहीं सुना, मैंने बात भी नहीं सुनी। वो अपने अंदर लगे रहते हैं, पता नहीं क्या है उनका, है ही नहीं ऐसा कोई कि हम चढ़ जाएंगे कर लेंगे ऐसा। और इंडिया इज टू बिग ऑल्सो अर्जुन जी, अब ये भी देखिए ना, आप इतना बड़ा मुल्क है, जो मिलिट्री टेक ओवर होते हैं ना अक्सर छोटे मुल्कों में होते हैं, आप कभी देखिएगा, आप जो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिसमें जिसमें यू नो लैंड मास ज्यादा होता है ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट, अ लिटिल डिफिकल्ट, कि बड़े मुल्कों में आपने टेक ओवर, इंडिया जैसे मुल्क को आप कैसे टेक ओवर करेंगे 130 करोड़ लोगों को। मतलब यहाँ पे अगर आप इंडिया आएंगी अर्जुन जी, कभी आप आइए, आप देखिए, ये इसको सबकॉन्टिनेंट बिल्कुल ठीक बोला है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कहते हैं ना जी, ये सबकॉन्टिनेंट नहीं, पूरा कॉन्टिनेंट है ये, तो इट्स लाइक दैट। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज और भी बहुत से लोग पूछते हैं और कहते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कई बार जंग हो चुकी है, कई बार एक दूसरे के ऊपर बात की जाती है, लेकिन जाहिर है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी कभी भी इंडिया जीत नहीं पाया, अगर कहें तो हमारी साइड का कश्मीर आप जैसे ले लेते या हम आपकी साइड का ले लेते, ऐसा कभी हो नहीं पाया, तो क्या वजह लगती है आपको कि क्यों पीछे हट जाते हैं दोनों मुल्क? नहीं पीछे इंडिया कभी नहीं हटा अर्जुन जी, और ये लेने वेने की बात है ये तो हो जाएगा, ये हमारे 1994 में हमारे पार्लियामेंट में, यू नो देयर इज अ दिस थिंग प्रॉपरली, इट्स अ दिस थिंग ऑफ पार्लियामेंट 1994 का, कि इंटायर कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान। एंड देखिए मैं आपको बात बताता हूँ ना, कि पाकिस्तान में थोड़ी सी गलतफहमी है कि जो भी चीज करेगी फौज करेगी, क्योंकि आपके यहाँ बिजली का बिल भी फौज उठाती है ना, इलेक्शन भी फौज कराती है, तो एक कश्मीर भी फौज लेके देगी। और ऐसी बात नहीं है कि आपकी फौज ने कोशिश नहीं करी, 1965 में करी, 1947-48 47-48 में आपकी फौज करी, मेरे पास किताबें पढ़ी हैं आरजू जी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, पीडीएफ फाइल पढ़ी है, रेडर्स इन कश्मीर, मेजर जनरल अकबर खान की किताब है, पाकिस्तान के मेजर जनरल थे, जिन्होंने ये बोला कि साहब हाँ मैं लेकर गया था बंदे, मैंने ट्रेन करा था, मैंने भेजा था, जिन्ना साहब ने बोला था मुझे, मैं लेकर गया। तो ये एक बात है, आप फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स पढ़िए, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जनरल अयूब खान की किताब, और आप पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स पढ़िए, आपको पता लगेगा कि 1965 की जंग शुरू करी, इन द लाइन ऑफ फायर आप पढ़िए परवेज मुशर्रफ की, तो कारगिल वॉर के बारे में जिसमें लिखा है, तो आरजू जी आपको पता लगेगा कि कश्मीर के ऊपर जो लड़ाइयां हुई हैं वो पाकिस्तान ने शुरू करी हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, जो पाकिस्तानियों ने एक वॉर प्लान्स जो अपने बनाए थे उसमें एक उनका अजम्पशन था, जैसे अजम्पशन लेते हैं ना हम लोग जब जंग के प्लान बनते हैं, तो उसमें एक अजम्पशन होते हैं कि ये हम अज्यूम करेंगे, ये हम, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अज्यूम करके इन्होंने ये सोचा था कि जब हम इंडिया के अंदर घुसेंगे लड़ाई करने के लिए तो कश्मीरी मुसलमान हमारे लिए उठ खड़ा होगा और भारत से बगावत कर देगा। ये अयूब खान ने भी सोचा था, ये 1947-48 में भी सोचा था जिन्ना साहब के टाइम पे, ये परवेज मुशर्रफ ने 1999 कारगिल में भी सोचा था कि जैसे ही कश्मीरी मुसलमानों को ये पता लगेगा कि पाकिस्तानी फौज आ गई है तो अपने घरों से निकल जाएंगे और नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लेके हमसे मिल जाएंगे और भारतीय सेना को परेशान करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। आज तक एक कश्मीरी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, कोई एक बता दे कि 47, 48, 65 और 99 में एक कश्मीरी मुसलमान हथियार लेकर खड़ा हो पाकिस्तान के लिए, आज तक एक नहीं हुआ। और ये बड़ा सरप्राइज था इनके लिए कि साहब हम तो समझते थे पाकिस्तान, आपने कश्मीर की बात करी, पाकिस्तान ने कश्मीर की डायनेमिक्स कभी नहीं समझी, क्योंकि पता है क्यों नहीं समझी आपने, कश्मीरियों का दिमाग आपने कभी नहीं समझा, उसका रीजन है आरजू जी, क्योंकि आपके पास जो एरिया है ना वो 90% जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे जो पाकिस्तान ने लिया है हमसे हिस्सा, जो फोर्सिबली ऑक्यूपाई करा है, वो आरजू जी दैट इज 90% जम्मू, वहां पे गोजरी बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे, डोगरी बोलेंगे, वहां पे कश्मीरी थोड़ा ना बोलते हैं। कश्मीरी तो आपका छोटा सा पॉकेट बोलता है आपके मुजफ्फराबाद में, कुछ कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके लोग जो हैं वहां पे
दे डोंट स्पीक कश्मीरी देयर, बिकॉज वो जो एरिया है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, दैट इज लार्जली जम्मू, दैट इज नॉट लार्जली कश्मीर. अच्छा, लड़ाई आपकी एक्चुअली कश्मीर की है, क्योंकि आप उस एरिया को आजाद कश्मीर बोलते हैं. लड़ाई लड़ाई कश्मीर की है, वो कश्मीर है नहीं एक्चुअली वो एरिया.